दोस्तों, मैं एक बहुत सरल तरकीब बता रही हूँ यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए। जैसे कोई महिलाएं होती हैं, वह चेहरा नहीं दिखा सकती और वीडियो बनाना है, जैसे किसी भी को चेहरा बिना दिखाए अपनी वीडियो डालना है, जैसे यूट्यूब पे वीडियो डालना है, तो उसमें क्या करना है कि गूगल पे जाना है और उसमें से कोई भी कहानी, जैसी बहुत सी कहानी है, सही घटना और कोई भी जो आपको पसंद हो वो निकाल लेना है और वीडियो उसमें डालना है। इसमें कैसे कॉपी करना है, कैसे डालना है, ये हम आपको सपोर्ट मार्केटर के माध्यम से बताते हैं। मोबाइल में काइन मास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, अगर आपके में नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको सिंपली जो प्लस का निशान है इस पर चले जाना है और 16.9 रेशो वाले पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब आपको ये ऊपर वाले इसमें क्लिक करना है मीडिया में और बैकग्राउंड वाले में क्लिक कर देना है दोस्तों। बैकग्राउंड वाले में आप किसी भी कलर का बैकग्राउंड ले सकते हैं। मैं ये वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ और राइट पर क्लिक कर देता हूँ। अब इसको आप थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, जितना बड़ा वीडियो आपको बनाना है उस हिसाब से इसको ड्रैग कर लेना है दोस्तों। मैंने आपको इतना ड्रैग करके बता दिया है। अब आपको राइट वाले पर क्लिक कर देना है दोस्तों। अब सिंपली आपको गूगल पे चले जाना है, तो मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देता हूँ दोस्तों और गूगल पे जाके आपको बता देता हूँ। गूगल पे हमको चले जाना है दोस्तों। गूगल पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं कोई भी सिंपली स्टोरी लिख सकता हूँ आपको, जैसे स्टाफ जो भी स्टोरी लिखना है, मैंने लव स्टोरी हिंदी यहाँ पे टाइप कर दिया है। थोड़े नीचे आएंगे तो यहाँ आपको स्टोरियाँ मिल जाएंगी दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एक ऐसी भी प्रेम कहानी, इस ये मैं आपको कॉपी करके फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। इस पर थोड़ी देर तक हम टिक करेंगे तो जो इतना पोर्शन हम जितना चाहें उतना पोर्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली कॉपी के बटन पे कॉपी कर लेना है। फिर मिनिमाइज करके हमको वापस काइन मास्टर ऐप में चले जाना है दोस्तों। तो जो काइन मास्टर ऐप में हम जाएंगे और जहाँ पे सिंपली लेयर वाले में क्लिक करके टेस्ट पे क्लिक कर देना है और जहाँ पे आपको थोड़ी देर प्रेस करना है और पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओके कर देना है दोस्तों। तो ये देखिए जो पूरा गूगल का जितना हमने कॉपी किया था यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसको जितना लंबा रखना चाहें लंबा रख सकते हैं दोस्तों और इसको आप जो भी कलर देना चाहें वो कलर दे सकते हैं। मैंने इसको रेड कलर दे दिया है दोस्तों। अब अगर ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा नीचे आके शेडो पे क्लिक होगा तो शेडो को ऑफ कर देना। अब आप देख सकते हैं थोड़ा दिख रहा है। अब इसको और हाईलाइट करने के लिए सिंपली जो ए लिखे हुए हैं यहाँ पे हमको चले जाना है दोस्तों। जो नीचे वाले आने के बाद जो नोटो सेरिफ बोल्ड इटैलिक लिखा है इसको सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। आप देख सकते हैं अगर अभी भी कलर में थोड़ा लग रहा है तो हम कलर येलो कलर ले लेते हैं तो थोड़ा हाईलाइटेड लग रहा है दोस्तों। अब सिंपली हमको इसको वापस ड्रैग करके वापस आ जाना है, इसको ओके कर देना है। यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, मीडिया वाले ऑप्शन पे जाके हमको ये पिक्चर, कोई भी एक पिक्चर अट्रैक्टिव सी यहाँ पे सिलेक्ट करके लगा देना है दोस्तों। और इसको भी जहाँ तक हम दिखाना चाहते हैं वहाँ तक हमको कर देना है और इसको ओके पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो ये स्टोरी हमारी कॉपी हो चुकी है। अब हम इस पे आप देख सकते हैं, इस पे मैं बोल के बताऊंगा। अब जो वॉइस वाला ऑप्शन जो आ रहा है इस पे क्लिक कर देना है, हमको सिर्फ कहानी पढ़ना है दोस्तों। जो वॉइस वाले पे जाना है और स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और सिंपली यह प्रेम कहानी एक ऐसे लड़के की है जो प्रेम शब्द के बारे में कुछ नहीं जानता था। तो दोस्तों इस टाइप से मैंने इतना सा कॉपी किया और यहाँ पर ओके कर दिया है दोस्तों। अब मैं इसमें म्यूज़िक डालना चाहता हूँ तो ऑडियो लाइब्रेरी में, YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी में बहुत से म्यूज़िक मिल जाएंगे, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने कुछ कॉपी करके रखे हुए हैं तो ऑडियो में चले जाना है और जहाँ भी आपके म्यूज़िक हैं वो वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और प्लस वाले निशान पर टिक करके इसको ओके कर देना है। अब मैं आपको सुनवा देता हूँ। आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही तो अब आप वॉइस वाले सेक्शन में जाना है और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना है दोस्तों। ये प्रेम कहानी ऐसे लड़के की है जो प्रेम शब्द के बारे में कुछ नहीं। तो इस टाइप से वीडियो
सिलेक्ट कर लेना है और आप स्टेप बाय स्टेप फिर जहाँ आने जब तक यहाँ कहानी आप पढ़ लेंगे तो स्टेप बाय स्टेप कॉपी करते जाना है दोस्तों। और जितना वीडियो बन जाए तो ओके क्लिक कर देना है। और जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, शेयर पे जाने के बाद आप कम से कम 10 Mbps में सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर देंगे तो कहानी सेव हो जाएगी दोस्तों।